हमने पाकिस्तान का झंडा जब हमने वहाँ पे सबके सामने डिस्प्ले किया तो एक बहुत हमने फ़ख्र महसूस किया। हबीब यूनिवर्सिटी कराची के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग शोबे के तीन तुलबा ने आलमी रोबोटिक कंपटीशन में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। कंपटीशन का इनेकाद जापान के शहर टोक्यो में किया गया था। तुलबा ने रोबोटिक सर्जरी के लिए रोबोटिक ग्रास्पर हैबिटिक फीडबैक डिवाइस तैयार कर ली है, जो सर्जरी के दौरान डिवाइस के जरिए सर्जन को आगाही फराहम करेगी। जो रोबोटिक ऑपरेशन में रोबोट को यूज़ कर रहे हैं उनको सेंस ऑफ टच प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अगर कोई डॉक्टर रोबोट के थ्रू ऑपरेशन कर रहा है तो वो टिश्यू को फील नहीं कर सकता या ये नहीं पता कर सकता कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है। तो वो जो एक फीलिंग का जो डिसकनेक्टिविटी हो गई है कि डॉक्टर जब रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो पूरी करने के लिए हमने इसके अंदर सेंस ऑफ टच हमने प्रोवाइड किया है कि जब भी डॉक्टर इससे ऑपरेशन करेंगे तो उनको फील होगा कि वो कितनी फोर्स किस तरह से टिश्यू को पकड़ रहे हैं। आलमी कंपटीशन में पाकिस्तान समेत कई ममालिक के तुलबा शरीक हुए। सबने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। जो बेसिकली हमने जिस प्रोजेक्ट में पार्ट लिया था IEEE Region 10 रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन, तो Region 10 के एरिया में एशियन कंट्रीज़ आती हैं सारी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं वो सारी इसके अंदर शामिल हैं। इसमें काफ़ी सारे जजेस थे, पूरी मतलब पैनल था जजेस का, काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्रीज से सारे जजेस थे। तो उन्होंने उन 30 प्रोजेक्ट्स में से टॉप 10 प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट किया और वो उनमें से हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ, जो फिर वो 10 प्रोजेक्ट्स थे जो जापान जाके कम्पीट करेंगे। पाकिस्तानी तुलबा की तैयार करदा डिवाइस सर्जरी के दौरान सर्जन को फीडबैक फराहम करती रहेगी। के जो आजकल रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब डॉक्टर वो सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको हैप्टिक फीडबैक नहीं मिल रही होती है, यानी कि जब वो टिश्यू पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसके टिश्यूज़ ओवर स्ट्रेस और ओवर डैमेज हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर हैप्टिक फीडबैक इंक्लूड की है, यानी कि डॉक्टर जब हैंडवेयर डिवाइस को पहनेगा और प्रोजेक्ट रोबोट को कंट्रोल करेगा तो उसको साथ में हैप्टिक फीडबैक आएगी फिंगर्स पे इलेक्ट्रिकल स्टिम्यूलेशन के थ्रू, जिससे उसे ये पता चलेगा कि ग्रास्पर पर जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है टिश्यू पे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, और जैसे जैसे फोर्स डिक्रीज हो रही है या कम हो रही है टिश्यूज पे तो इलेक्ट्रिकल स्टिम्यूलेशन भी डिक्रीज हो रही है। पाकिस्तान में इस डिवाइस के मुतारिफ होने के बाद रोबोटिक सर्जरी सस्ती हो जाएगी, जो कि डॉक्टर्स के लिए बड़ी अफादियत है इसमें, और दूसरा ये कि इन्होंने ये लो कॉस्ट बनाया है, तो कॉस्ट के हिसाब से ये एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि हम जब इसको इंपोर्ट करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और हमारे मुल्क में आजकल डॉलर्स की वैल्यू आप पता ही कितनी शूट अप जा रही है, तो ये लोकल में मार्केट में इन्होंने तकरीबन 50,000 से 1 लाख के दरमियान बनाया है, और जब इसको हम करेंगे मार्केटेबल करेंगे तो ये अराउंड 1.5 से 2 लाख का जब बल्क में बनाएंगे तो इतने में आएगा, तो ये एक ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट थे। हबीब यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर एनम आफाक जो हमारी चांसलर हैं उनके विजन पे जब उनको ग्रूम किया, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं डॉक्टर जीशान और आमिर, उन्होंने मेहनत की फाखरा के साथ, जहरिश के साथ और अरीब के साथ, तो उनके नेचुरल टैलेंट को और उस पाकिस्तानी टैलेंट को वो सामने लेकर आए। तुलबा का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौमी सतह पर पजीराई की ज़रूरत है।